नाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फॉरेंसिक है वो हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है, और उन्होंने ये लिखा है वाजे तौर पे कि किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। मैं उसकी उस पे डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो दो चैनल्स, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चैनल ने तो उनका काम सहाफ़त है, लेकिन अचानक उन्होंने एक अपने जिम्मेदारी एक ले ली कि वो फॉरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं उस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। तो उस चैनल ने, पता नहीं जल्दी जल्दी में या किसी प्रेशर के तहत, उन्होंने ये कह दिया कि ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है, और मुख्तलिफ तकारीर से ये उठाकर तो ऑडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है, और ये भी उनका शुक्रिया। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले, जी 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 बिल्कुल, ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो शुक्रिया कि आपने साकिब निसार साहब से मनवा लिया कि आवाज़